आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र स्थित नागपुर जिले की, जहां पर एक महीने से भी अधिक समय से मजदूर जो है वो फंसे हुए थे और नागपुर जिले में फंसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की 300 बसें तैयार की गई। आपको बता दें कि 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से यहां मजदूरी करने आए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के करीब 8,500 मजदूर शहर के अनेक इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें प्रशासन ने शेल्टर होम में रखा था। लगातार लॉकडाउन बढ़ने के बाद प्रशासन ने इन्हें अपने राज्य भेजने का फैसला किया। शहर में फंसे इन मजदूरों को, आपको बता दें कि सिवनी, रीवा, रायगढ़ सहित अन्य जगहों के फंसे मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल पर भेजने के लिए प्रशासन एसटी बसों की मदद ले रही है। इसके लिए नागपुर विभाग के 8 देशों की 300 बसों का उपयोग किया जाएगा। वहीं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए एक बस में 22 मजदूरों को भेजा जाएगा। ये जो माइग्रेशन ऑफ लेबर का जो विषय है, इस संदर्भ में कलेक्टर ऑफिस से हमें ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग 8,500 अदर स्टेट के लेबर यहाँ पे शेल्टर्ड होम में है और उनका घर वापसी का जो इंतजाम है उसके लिए उनका यादी बनाने का काम चालू है। हमें जब पूछा गया तो एसटी महामंडल नागपुर डिवीजन के ओर से हम लोग 300 बसेस देने का हमारा नियोजन है, लेकिन एक ही बस में ज़्यादा से ज़्यादा 22 पैसेंजर हम लोग पहुंचा पाएंगे एक समय में। अपने नागपुर जिले में लगभग 16 स्टेट से लोग हैं और जिनका ग्रुप अच्छा है, जिनका संख्या ज़्यादा है, उनका ग्रुप करने का काम चालू है। जैसे ही हमें कलेक्टर ऑफिस से इसका जानकारी मिलेगा, उस समय हमारा नागपुर महामंडल की बसेस उनके लिए तैयार रहेगी। पूरी बसेस जो जाएगी वो सैनिटाइज होके जाएगी, हमारे ड्राइवर्स लोगों का मेडिकल चेकअप भी होगा, वापस आने पे भी मेडिकल चेकअप होगा और ज़्यादातर ये बसेस हम लोग प्रासंगिक कराने यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पे हम लोग देंगे। जी, यदि हम सामाजिक दूरी की यदि बात करें सर, तो एक बसेस में यानी कितने पैसेंजर अलाउड करेंगे आप? बस की आसन क्षमता 44 है जी, जिसके वजह से हम लोग उसमें एक सीट पे एक, इस बेस पे एक गाड़ी में 22 लोगों को हम लोग अलाउ करेंगे जी। ये जो जाने वाले लोग हैं ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादा होने के कारण जी अंतर बहुत ही कम रहेगा, एक दिन का जर्नी रहेगा और उस हिसाब से अगर ज़्यादा बसेस लगी तो 300 से ज़्यादा बसेस भी हम लोग दे पाएंगे। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू है, ऐसे में नागपुर में फंसे दिहाड़ी मजदूरों को अपने अपने गांव भेजने का सिलसिला भी जारी है। राज्य सरकारें विशेष बस और ट्रेनों के माध्यम से उन्हें अपनों से मिलाने में जुटी हुई है, तो वही नागपुर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन ने 300 बसें तैयार की है जो अब मजदूरों के लिए रास्ते पर दौड़ने तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग बैसवारे के साथ पारस बैसवारे, इन 24 न्यूज़, नागपुर।